सर आज का मैच कैसा रहा? आज का मैच बहुत डिसअपॉइंटिंग था कराची किंग्स के लिए। 23 रन पे 4 विकेटें आप गिरा लेते हैं, T20 क्रिकेट में मुकाबला खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आपने वापस आने दिया और वापस ऐसे धमाकेदार इनिंग्स के थ्रू आने दिया। वो टाई ने जो एक ओवर कर दिया जिसमें शायद 30 रन पड़े, उससे आपका सारा मोमेंटम तो खैर लूज हुआ ही हुआ, बट ये एटीट्यूड भी दिखाता है कि आप गेम को फिनिश नहीं कर सके। कराची किंग्स का हमने पहले भी एनालाइज किया हुआ है, दे आर वीक इन बॉलिंग, इनके पास 2.5 बॉलर की ये टीम है। अगर आप 2.5 बॉलर के साथ करेंगे तो एक्चुअली ये तो लकी ही रहे कि इनको ये शुरू में विकेटें मिल गई, क्योंकि वो बल्लेबाजों की अपनी गलती से मिली। जब 4 विकेटें गिर जाती है ना, फिर आपको अपने बेस्ट बॉलर्स उसी वक्त लगाने पड़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची से लाहौर, PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात HBL PSL सीजन 8 के ऊपर, और हमारे पास माहिराना तर्जियों के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट्स, और उसके साथ साथ वो तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। आज फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स, गप्टिल ने वो कर दिया जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने प्रिडिक्ट यही कहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा तो वो फिर जीतता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कराची के शायकीन रोते हुए दिखाई दिए, आंसू बह रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। आखिर हो क्या रहा है कराची किंग्स के साथ, ये सोचने वाली बात है। मैच समरी आपको दिखाते हैं, PCR जरा मैच समरी दिखाइएगा, आज ओवरऑल क्या रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जिस तरह मुकाबला हुआ है उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स शुरू में क्या कर रही थी वो हम सब ने देख लिया। कराची किंग्स पहली 5 विकेटें गिराने तक ऐसा लग रहा था कि मैच पे छाई हुई है। गप्टिल ने वो किया है, वो धोया है कि अलमान अल हफीज, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि चिरागों में रोशनी न रही, तो बड़ा बुरा हाल हो गया, ये हमने अपनी आंखों से आज देख लिया है। इसके ऊपर मजीद जो एक्सपर्ट ओपिनियन है हमारे एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स देंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम बात कर लेते हैं यस्टरडेज प्रेडिक्शंस की। कल हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो क्या थी वो आपके सामने रखते हैं, जरा कंट्रोल रूम चलाइएगा, क्या क्या हमने प्रिडिक्ट किया था। रमीज राजा साहब वेंट विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जी हाँ राजा साहब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ गए थे। सर यू आर ऑलवेज राइट, नहीं ऑलवेज तो नहीं है, मेरा तुक्का ठीक फिट हुआ है, बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगा। सकलैन मुश्ताक भाई आज हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद होंगे, स्टूडियोज में नहीं है, कल से फिर स्टूडियोज में होंगे, उन्होंने भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ दिया था। सुहेब अलवी साहब, सकलैन भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम जीत गई है। और सर माशाल्लाह से अच्छा, सुहेब अलवी भाई ही वेंट विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज वेल, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गई। सुहेब अलवी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, फहीम खान साहब जी हमेशा की तरह कराची किंग्स के साथ जाते हैं, और आइंदा भी जाएंगे सर, और आइंदा भी जाएंगे, और कराची किंग्स ने जो किया है वो आज हमने देख लिया है। हम जिएंगे हम मरेंगे। अच्छा सही बात है, और जहां तक बात है मेरी तो सारी फ्रेंचाइजेज ही अपनी है, जब मेरा दिल करता है जिसका दिल करता है उसको वोट दे देता हूँ, तो मैं तो गया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो इस तरह से ये ओवरऑल हमारी जो प्रेडिक्शन थी आज के मैच के हवाले से वो रही। अब जरा पॉइंट्स पे आ जाएं जी, PCR पॉइंट्स दिखाइएगा, किसके कितने कितने पॉइंट्स थे, गो एट प्लीज पॉइंट्स अगर आप दिखा सकें तो हम अभी अपने नाजरीन को पॉइंट्स भी दिखाते हैं। मेरे ख्याल में रेडी नहीं है, उससे पहले सुहेब भाई क्वेश्चन ऑफ द डे पे जाएं, फिर मैं अनाउंस करता हूं कि क्या चीज है उसके अंदर। क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि आज क्या धुआंधार इनिंग्स खेली मार्टिन गप्टिल ने, तो सवाल भी बनता है PSL की तारीख में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किस ने बनाया है पूरी हिस्ट्री में। ये PSL 8 हो रहा है, PSL 1 से लेके PSL 8 में, PSL की तारीख में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसने बनाया है, और मैं नाम लेता हूँ, कॉलिन इंग्रम, बाबर आजम, शर्जील खान,
एंड शाहिद खान आफरीदी, इन चार में से आपने किसी एक का नाम लेना है जिसने, मैं एक हिंट दे देता हूं, 127 नॉट आउट वो स्कोर था, लेकिन किसने बनाया ये आप बताएंगे। ये बिल्कुल आप बताएंगे, और बताने के लिए हम आपको ऑप्शंस के साथ साथ फोरम्स भी बताते हैं। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के ऊपर बता सकते हैं। हमारा जो नंबर है मैं अनाउंस करता हूं, इट्स 02135091427। इसके ऊपर कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं। अभी ज़रा हम ये आपको बता देते हैं कि दिस ट्रांसमिशन यानी खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पल। जो सही जवाब देगा उसको ये वाला स्मॉल साइज का बट हैवी वेट बैट विद द साइंस ऑफ सर रमीज राजा एंड सैकी भाई, ऑब्वियसली मौजूद नहीं है तो रमीज भाई का साइन बड़ा हैवी है, वही चलेगा आज उनके लिए। तो वो मैं वैसे सिग्लैन के सिग्नेचर में कर सकता हूं। आप कॉपी कर दीजिए। गान हो गया सर। सर आज का मैच कैसा रहा? आज का मैच बहुत डिसअपॉइंटिंग था कराची किंग्स के लिए। 23 रन पे चार विकेटें आप गिरा लेते हैं T20 क्रिकेट में, मुकाबला खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आपने वापस आने दिया और वापस ऐसे धमाकेदार इनिंग्स के थ्रू आने दिया। वो टाई ने जो एक ओवर कर दिया जिसमें शायद 30 रन पड़े, वो उससे आपका सारा मोमेंटम तो खैर लूज हुआ ही हुआ, बट ये एटीट्यूड भी दिखाता है कि आप गेम को फिनिश नहीं कर सके। जब आप इस तरह से ऊपर एक्सेलरेट अपना चोक कर रहे हैं किसी को तो फिर मत पांव उठाएं। मगर ये तभी होता है जब आपकी टीम कॉन्फिडेंट नहीं है, जब आपकी टीम जो है सिलेक्शन के एतबार से एक पेज पर नहीं है, जब पैनिक बटन दब जाए, जब आप डिफीट की तरफ देख रहे हैं। ये तो एक किंग्स चौक कर गई है, बिल्कुल कर रही है, और फिर एक डिफीटिस्ट माइंड हो गया है कि हम कोई भी अच्छी जगह से शायद इतने अच्छे हैं ही नहीं कि जीत सकते हैं। तो आपको हर दफा यही लगता है, एक नेगेटिव स्पाइरल में फंस गई है, और उसके टेक्निकल रीजंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग। ये मैच तो जेब में था। आप ये देखें ना कि 10 ओवर में कोई 50 रन और उसके बाद मतलब 40 ओवर में 43 रन, ये क्या उसके बाद लॉ के रख दिया गप्टल ने। 40 गेंदों में उसके हुए 43 रन थे और अगली 23 गेंदों में या 30 गेंदों में उसने आपने बताया कहां पता दिया। सो यही जो रमीज बात कह रहा है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, जो अच्छी टीम्स होती हैं वो पांव गर्दन से उठाती नहीं है। लेकिन देखो कराची किंग्स का हमने पहले भी एनालाइज किया हुआ है, दे आर वीक इन बॉलिंग, इनकी मतलब दो ढाई बॉलर की ये टीम है। वो अगर आप दो ढाई बॉलर के साथ करेंगे तो फिर आपको यही होगा कि आपने, और वो विकेटें भी जो मिली हैं वो कराची किंग्स कि इतनी उसमें कोशिश नहीं थी। आप ये देखें दूसरी बॉल के ऊपर स्वीप पाए रॉय, ठीक है, उमर अकमल विकेट छोड़ के खेल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या चाह रहा है इस दुनिया से। और तीसरा जो उनका आउट हुआ उसने भी यही गलती की, बाहर निकल के कट कर रहा है। सो एक्चुअली ये तो लकी ही रहे कि इनको ये शुरू में विकेटें मिल गई क्योंकि वो बल्लेबाजों की अपनी गलती से मिली। एक मेरा और चलते चलते पॉइंट बिफोर आप सिग्लैन के पास जाएं, देखें जब चार विकेटें गिर जाती हैं ना, फिर आपको अपने बेस्ट बॉलर्स उसी वक्त लगाने पड़ते हैं जी। उस वक्त आपको पॉज नहीं लेना है कि आप एंड की चार ओवर्स में लेके आएंगे उन्हें, क्योंकि मामला तो उस वक्त टाइट हो गया था ऑपोजिशन के लिए। तो अगर आप अपने बेस्ट बॉलर्स का इंतजार कर रहे हैं कि चले चार विकेटें गिर गई हैं अब वो आराम आराम से वो खेलेंगे सो हमें एडवांटेज मिलेगा, कहीं 100-125 रन हमें मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये T20 क्रिकेट में दबाव क्रिएट हो जाता है, दो ओवर्स में ही फारिग। हालांकि पहले पांच विकेट तक तो यही लग रहा था कि कराची किंग्स बने, टाई का एक ओवर ही जो आपने बताया। सैकी भाई योर कमेंट्स प्लीज, क्या हुआ आज कराची किंग्स के साथ? अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद रुथलेस क्रिकेट होती है, आप किसी को मौका नहीं देते, जब आप किसी को मौका देते हैं तो वो और ज्यादा तगड़ा आता है और आपको गर्दन से पकड़ लेता है और आपको निकलने का रास्ता नहीं देता। कराची किंग को जो है वो रूथलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। 100% एग्री करूंगा रमेश भाई के ऊपर, दोनों ने कमेंट्स दिया है, जब आपने पकड़ लिया तो छोड़ो नहीं, बिल्कुल गिरा दो, बिल्कुल खत्म ही कर दो। रूथलेस क्रिकेट होनी चाहिए, रूथलेस एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है देखते हुए कि कुछ मुझे जो टीम के अंदर पूरी टीम की कलेक्टिव एफर्ट होती ना, कलेक्टिव जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं जब पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, वो छोड़ने से जो है वो ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है। अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, जब भी आपने एक एक दो दो आउट कर लिए फर्स्ट किया बॉलर्स ने तो आप रिलैक्स नहीं हो, फील्डर रिलैक्स नहीं हो, वो तो मौका है पकड़ने वाला,
अगर आप ऐसे मौका छोड़ते चले जाएंगे ये फिर हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि आप जो है आपके अंदर टीम का एक जो यूनिटी होती है, जो टीम ने मिलके काम करना होता है, वो उसमें से वो निकल जाता है और ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है आपको पकड़ने के लिए। आप भी इस बात से एग्री करेंगे सकलैन भाई के चौक कर गई है कराची किंग्स, हालांकि दोनों टीमें पैरेलल चल रही थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस कर रहा था, रमीज भाई इस पर ज्यादा बेहतर कमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर आपको क्या लगता है कि चौक कर गई है कराची किंग्स? देखिए पिछले दो मैचों से भी हमने ये कहा था कि इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, इनको ठीक है जीत चाहिए होती, बट आप अपनी स्किल्स और अपने प्लान्स और अपने प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करते चले जाए, सारी चीजें खुद ब खुद आएंगी। जब आप जीत की तरफ जा रहे होते हैं ना, यानी बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ, तो आपके अंदर कामनेस और डिसीजन मेकिंग्स और वो सारी चीजें थोड़ी सी निकल जाती हैं, कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे चार आउट करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा डिसीजन चेंज कर लिया, थोड़े से आप नीचे हो गए, बैकफुट पे आ गए, रूथलेस क्रिकेट नहीं खेली। आई थिंक ये तीसरा मैच इनको बहुत डैमेज करेगा, कराची किंग के कॉन्फिडेंस को बहुत डैमेज करेगा। आई थिंक वो हमने ऐसी हल्की सी बात की थी, लगता है ऐसे कि पैनिक बटन जो है ना ऑन हो गया, ये तीसरा मैच जो है इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा इंटरनली पूरी टीम को। रमेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं चीज कहूंगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हौसला यहां से यहां हो गया होगा इस मैच के बाद, ऑब्वियसली क्योंकि इतना फाइट करना पड़ा उन्हें, टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं, राइट टिल दी है, सो उनकी स्पिरिट को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच कोई भी ऐसी पिच के ऊपर जब आपके चार विकेट गिर जाए 23 पे तो हार जाती है, मेंटली आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वही बात हो रही थी, वो जम के खेलेंगे, और आई थिंक जो रमीज और सकलैन ने पॉइंट आउट किया उसका आइडियल एग्जांपल इसी मैच में सरफराज ने दिखा दिया, उसने अपना जो वीकेस्ट बॉलर था उसको 20th ओवर, ताकि उस वक्त तक इतने हुआ कि सरफराज ने धोखा नहीं दिया, उस वक्त तक उसको पता था कि उस वक्त तक इतनी एवरेज बढ़ जाएगी कि वो चौके छक्के भी खाएगा। आप देखिए ना, हसनैन को वो बचा सकता था 20th ओवर के लिए, उसने हसनैन को बोल किया, उसने जो चार गेंदे की हैं जो जिसके ऊपर वो लड़का नहीं मार सका वही तो डिफरेंस हो गया एंड में 6 रन, वही उसने चार गेंदों में 1 रन दिया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, देखे ना, नसीम शाह है, हसनैन है, पेस है, एक्यूरेट है, यहां कराची किंग्स यहां मैच का इमाद भी बड़ा जो है ना जमील, यहां पर मैं अभी आपने जो इंट्रो पे एक बात कही थी कि जी कराची वाले जो है वो बड़े रो रहे हैं, उदास हैं, उससे ज्यादा जो है वो मैं रमीज भाई की राय से जानना चाहूंगा, वो गुस्से में क्राउड जो है वो अपनी टीम को जीतते हुए देखने के लिए जा रहा है, और फिर उसके बाद गिला ये किया जाता है कि स्टेडियम खाली है। आप पीसीबी के ओहदे पे रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं रमीज भाई, आपके पास भी ऐसी चीजें फेस करने को आई होंगी डेफिनेटली। अभी इस वक्त कराची के फॉलोअर्स मेरी तरह ही हैं, जैसे मैं हर मैच में कराची के साथ खड़ा हूं, वो भी खड़े हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट बोर्ड पर, पीसीबी पर, पीएसएल पर, फ्रेंचाइज पर, जो लोग देखने आ रहे हैं उन पर कितना नेगेटिव जाएगा, जरा इस पर भी हाईलाइट कीजिए। देखिए जब ये डिसाइड किया था हमने कि ये मुख्तलिफ शहरों में जाना है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि कराची के मैच कराची में होंगे और हाउसफुल मिलेगा आपको स्टेडियम, इसलिए कि नहीं तो वो न्यूट्रल मैचेस पे कम लोग आते हैं, ऐसा ही है। मगर अगर आप हारना शुरू कर देंगे कराची में तो फिर यही हाल होगा, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा क्राउड्स की तरफ से, तकलीफें सह के एक एक, एक स्पेक्टेटर आता है, 2.5 घंटे की 10 जगह उसको रोका जाता है, अनफॉर्चुनेटली सर्च होती है, फिर वो क्यू में घुसता है, फिर आईडी कार्ड, फिर उसकी 10,000 दफ़ा टिकट चेक होती है, वो बेचारा अंदर आता है, महंगी टिकट्स हैं, अकेले भी दोस्तों के साथ आना मुश्किल हुआ है, सो जब वो आता है इतनी कुर्बानी दे के, इतनी कुर्बानी दे के आते हैं, आपको कह रहे हैं जी 160 आज होगा कर लेंगे, वो भी आप नहीं करते हैं, सो ये एक बहुत बड़ा एक सोल डिस्ट्रॉइंग ये होता है फैंस के लिए, और यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगे, शायद इनको अपने मेंटोर्स को चेंज करना है, इनको अपना थिंक टैंक बदलना है, क्योंकि वही एक लोगों को लेके ये पिछले कई सालों से आ रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी है ना, कि हमने इस साल अगर हम टॉप 3 में नहीं आते हैं या हम फाइनल नहीं खेलते हैं तो फिर हमें ये 4 चेंजेस करनी है। वेरी राइट। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो सेमनेस से मीडियोक्रिटी डेवलप होती है, मीडियोक्रिटी से डिजास्टर है, और डिजास्टर से ये सारा आपका जो पीएसएल का मॉडल है ना ये नीचे गिर जाता है। अच्छा रमीज भाई, आप चेयरमैन पीसीबी रहे, आज जो चेयरमैन पीसीबी ने ट्वीट किया है
मैं उसके ऊपर जरूर आपके पास आऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप होते तो क्या आप ये इस तरह का ट्वीट करते? लेकिन उससे उससे पहले मैं अगर करता जमील तो सारे मीडिया ने ना मेरी पतलून बना देना। ये मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, दोबारा पूछूंगा, मैं वो वाला सवाल पूछूंगा। सवाल जी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि तारीख में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसने बनाया है? यही वाला सवाल था ना सर? हाँ जी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सवाल डिस्प्ले कर दिया जाए अगर तो हमारे नाज़रीन इसको देख सकेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इनका जवाब हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप दे सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 02135091427, इसके ऊपर कॉल करके आप जवाब दे सकते हैं। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर के पास जाने से पहले, यानी उसके ऊपर बात करने से पहले, ज़रा उस ट्वीट पे आ जाते हैं। सर, जो ट्वीट सेठी साहब ने आज किया है पीएसएल को लेकर और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको लेकर, आपको लगता है कि ट्वीट ज़रूरी था? बैड टेस्ट में है जी। देखें, एक तो वो ट्विटर हैप्पी हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें उनको क्या एक मिलता है। ये टीनेजर्स वाली बातें हैं जी। ये अपनी उम्र के हिसाब से इनिंग्स खेलनी चाहिए ना। थोड़ा तहमल, थोड़ी ठहर के आप अपनी खीर खाएँ। आप लग गए हुए हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने एक पहले ट्वीट किया कि मेरे से कोई टिकटें ना मांगे। बड़ा प्रेशर है, आधा स्टेडियम खाली है। दूसरा फिर आपने ये ट्वीट कर दिया, चल भी रहा, दोबारा चला दें जी, दोबारा चला दें। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप पीएसएल के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो और आप कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे हम कहते हैं कि किसी को फ्लैग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भाई वो आपको बता के तो नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि हमें इसके ऊपर बात करनी ही नहीं चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा जमील, आपको याद नहीं है जो आज हमारे पीएम है, जब वो सीएम थे तो उन्होंने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया था कि हमारा माइंडसेट तो सेम ही है जी, तो ये भी यही करेंगे फिर? ये देखिए, बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। ये आप प्लेयर्स के या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं उनके साथ आप शेयर ऐसी चीजें अगर करनी भी है, हालांकि वो भी ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर पीएसएल का मॉडल जो है वो पूरे पाकिस्तान पे भारी है, इसलिए हम ये ट्वीट भी कर सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा स्टुपिडिटी और कोई दिखा नहीं सकता। यही सुनना चाह रहा था मैं भाई। बेस्ट बैटर ऑफ द डे, Guptill तो obviously by Martin Guptill, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, I mean everyone has seen Guptill, there's not much you can say about him. लेकिन एक बात है, आज जो इफ्ती मेनिया ने एक इनिंग्स खेली है 28 गेंदों पे 32, वो जो 50 रन की पार्टनरशिप दी ना, उससे Guptill का भी दिल बड़ा हुआ। और Guptill ने एंड ऑफ द इनिंग्स के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने एक्नॉलेज किया, जी 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 जी, उसने ये कहा कि आई ओ इट अ लॉट टू इफ्तिखार, बिकॉज वो जो उसने दूसरे एंड पे जिस पेस से खेला तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन कमिंग बैक बेस्ट बैटर, आई मीन हु एल्स, जिस जगह से उसने मैच उठाया है, जिस तरह से उसने मैच फिनिश किया है, आई थिंक और मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब वो आउट हुआ है ना, थोड़ी देर वो रुक सकता था, मतलब इसके बावजूद व्हाट एन इनिंग्स सर। फिर यहाँ पे आते ही और कहते हैं हाईएस्ट किसने स्कोर किया पीएसएल की हिस्ट्री में, तो शायद ये Guptill का भी नाम डाल देते। और मैं पूछने वाला था कि जी आज का मैच हो रहा है, ये मैंने शुरू में ही सवाल डाल दिया, तो उस वक्त Guptill 50 पे था जब मैंने ये सवाल डाला था। Guptill यहाँ था, ब्रिलियंट जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और कोई टैलेंट आज के इसमें बैटर? देखिए, शोएब मलिक की अच्छी इनिंग्स थी, मगर जब आप मैच जिताते नहीं है तो वो इनिंग्स फिर अधूरी रह जाती है। वो तो वो एक एंड तक था, मगर वो वही बात है कि उनका बॉलिंग एफर्ट ज्यादा स्ट्रांग था, उनका एटीट्यूड ज्यादा अच्छा था कराची किंग्स से, क्वेटा ग्लेडिएटर्स का कप्तानी अच्छी की, और फिर ये कि एक बन के लड़े वो, क्योंकि ये छोटा स्कोर था, वहाँ पे 200 रन डिफेंड करने बड़ा मुश्किल हो जाता है, सडनली आप 167 रन जो है वो डिफेंड करके, तो आपका हौसला यहाँ से यहाँ चला जाता है। अब क्वेटा ग्लेडिएटर्स पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी एक विन है उनके लिए, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकली खड़ी हो गई है। Guptill क्यों जीता है, Guptill ने ये इनिंग क्यों खेली है इतनी कामयाब? सर केके में नहीं है ना वो इस बार, इस बार उसने फ्रेंचाइज बदल दी, इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दी, पहली दफा बल्ले से भी खेला नहीं तो गप्पा ही मारते रहे। चलें जी, अब हमारे पास बल्कि स्क्लैन भाई से पूछना। स्क्लैन भाई आप बताएं, बैटर, बेस्ट बैटर ऑफ द डे, बॉलर आ गया? नहीं नहीं, हम सॉरी, आपको हम मिस कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर सर। ये देखें सर, स्क्रीन पे कान पकड़े हैं। देखिए, Guptill ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 168 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। अगर देखा जाए जो कराची किंग है, अपना
कप्तान को जो उन्होंने शॉट्स कई ऐसे डिलीवरीज थी जो कि बिल्कुल ही उसके स्लॉट में रख के दे दी। अच्छा मैं उसका क्रेडिट उससे नहीं मैं उसके छीन रहा हूँ, उसने बड़े अच्छा बाहर बैठा न्यूजीलैंड टीम के साथ बहुत अच्छा बाहर बैठा रहा, वो बहुत हंग्री था, उसके अंदर बहुत ज्यादा आग का एक लावा जो है ना उबल रहा था कि किसी तरीके से कोई मुझे मौका मिले और मैं कुछ करूं, और जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है आई थिंक बहुत ज्यादा तड़प रहा था इस तरह की नॉक करने के लिए, मगर उसको बहुत ज्यादा उसके स्लॉट में भी उसके एरिया में भी अगर बैक एंड मेल देखा जाए तो बॉलिंग यही। मगर जो दूसरी चीज जो शॉकिंग मेरे लिए है वो ये है कि जी 162/5 20 ओवरों में जो है कराची किंग ने 162/5 यानी चेज करते हुए के आउट भी पूरे नहीं हुए थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनको ये देखना चाहिए अगर आप चेज करने के लिए जा रहे हैं सारे आउट हो गए फिर तो बात समझ में आती है, 20 ओवर हो गए 162 सिर्फ 5 आउट, ये इनको देखना है कि ये इनिंग्स में कहां पे इन्होंने गलतियां की, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कराची की, इनको डेफिनेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ओ यस फाइंड करना पड़ेगा। रमीज भाई साथ मौजूद है, मौजूद है सकलैन भाई हमारे साथ स्काइप पे हैं, सोएब भाई साथ मौजूद है। ब्रेक लेने से पहले ब्रेक मारने से पहले चलती हुई गाड़ी की ब्रेक मारने से पहले अनाउंस करते हैं हमारे ब्रांड्स, खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रमीज राजा भाई से एक्सपर्ट ओपिनियन आफ्टर दिस ब्रेक। लोग सारे हैं पागल जश्न यूं मनाएंगे जमाना देखेगा ये है खेल का जुनून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हम बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन में आज बेसिक बैटिंग की। जमील फारूकी की तरह मैं क्रॉस बैट T20 आपको सिखाने वाला नहीं हूं शॉट, मैं आपकी तरबियत करूंगा जैसे कि आपको बैटिंग करनी है टेस्ट क्रिकेट में भी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक दफ़ा आपने कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बैट्समैन का बल्ला तिरछा आता है या बैट्समैन ऑफ पे ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं, सो उसकी एक बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और सिंपल सी है ये, अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है टॉप उसको आपने मिड ऑफ के फील्डर की तरफ रखना है और फिर आपका बैट जो है वो हमेशा सीधा आएगा, वो क्रॉस नहीं जाएगा क्योंकि ये रिस्ट जो है उसको सीधे बल्ले के आपको खेलने पे मजबूर करेगी। सो एक तो ये याद रखिए कि जो आपकी रिस्ट पोजीशन है वो जहाँ पे मिड ऑफ का फील्डर है वहाँ पे इसको रखने की टॉप हैंड की कोशिश करें। दूसरा, पाकिस्तान में क्रीज से खेलने का कुछ बहुत रुझान है, क्रीज से मुराद ये कि क्योंकि सीमेंट पे ज़्यादा हम क्रिकेट खेलते हैं, अपनी क्लब क्रिकेट हो गई या जितनी भी हमारी एज क्रिकेट होती है स्कूल्स में, तो उससे क्या होता है कि गेंद कहीं पे भी पड़े आप खड़े खड़े शॉट लगा देते हैं, वो गलत आदत पड़ जाती है क्योंकि जितना आप गेंद से दूर रहेंगे उतना ही आप गेंद को चांस देंगे मूव होने का। सो इन एन आइडियल वर्ल्ड जब गेंद आगे गिरे तो आपको पूरा स्ट्रेच फॉरवर्ड करना है और जब गेंद पीछे गिरे तो आपको क्रीज का इस्तेमाल करके पूरा पीछे आना है, ये फुटवर्क अच्छा कहलाता है। और इसी वजह से कभी अगर आप विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स जो कि ग्रेट बैट्समैन थे और हमारे एरा के सबसे बड़े प्लेयर थे, उनकी अगर आप वीडियोस देखें तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी ख़राब बॉलिंग हो रही है या उनको हाफ वॉलीज हो रही हैं या उनको पीछे गेंद कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो लेंथ बहुत जल्दी जज कर लेते थे। और यही आर्ट है, सबसे पहले आपको लेंथ जज करनी है कि गेंद आगे पड़ा है या पीछे पड़ा है, आपको आगे खेलना है या पीछे, और फिर जब वो आगे खेलते थे तो पूरा आगे चाहते थे, पीछे तो पूरा पीछे खेलते थे और इस वजह से उनके पास एक्स्ट्रा टाइम भी था। सो क्रीज में खड़े हो के आपने नहीं खेलना है, आगे अपनी टांग का इस्तेमाल करें फॉरवर्ड खेलने के लिए और बैक फुट पे पीछे पुश करें। सो इफाका होगा, मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि आपकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि जितना आप बॉल से दूर रहेंगे उतना चांस है कि आप गेंद स्लिप में आप का चला जाएगा आउटसाइड एज लेके या गैप में आप बोल्ड हो जाएंगे बिटवीन बैट एंड पैड। सो दो चीज़ें आज की, क्योंकि सकलैन है नहीं तो मैं बॉलिंग के मुतल्लिक ज़्यादा आपसे चीज़ शेयर नहीं कर सकता, आपका टॉप हैंड की रिस्ट मिड ऑफ के फील्डर की तरफ और अगले बॉल पे पूरी टांग आगे और शॉर्ट पिच बॉल पे पीछे जाएं और क्रीज का इस्तेमाल करें, बस यही मुझे कुछ कहना था। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर से हम महफिल से जाएंगे। जो
तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, खेल का जुनून। एचबीएल पीएसएल सीजन 8, दिस ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का सवाल मैं फिर से आपके सामने रख देता हूँ, पीएसएल की तारीख में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसने बनाया है? चार ऑप्शंस आपके पास इस पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, चार में से किसी एक का जवाब दुरुस्त होगा यकीनी तौर पर, और आप हमारे तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इंक्लूडिंग दिस नंबर 02135091427 इसके ऊपर कॉल करके आप जवाब बता सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कुरानदाजी होगी। आखिर में ये साइंड बैट साइंड बाय सर रमीज राजा दिया जाएगा, छोटा सा है बट हैवी वेट बैट है, ये आप में से किसी का भी हो सकता है, बड़ी ऑनर की बात होगी। कल के मैचेस की तरफ हम आते हैं रमीज भाई, कल दो मैचेस हैं, वैसे तो हम पहले मैच से पहले भी ट्रांसमिशन कर रहे होंगे खेल का जुनून, बट मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड्स दोपहर 2 बजे शुरू होगा, किसको फेवरेट समझते हैं? मुझे लग रहा है मुश्किल है वैसे कहना, हाँ, इसलिए कि देखें वो दोनों जीती हुई टीम्स हैं जी, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की फोर्स हमने थोड़ी सी उसका एक झलकी देखी थी, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवरऑल ऑलराउंड उनके पास स्ट्रेंथ है। आई अग्री, क्योंकि मेरी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो मैंने यू नो टारगेट किया हुआ है कि दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू विन द पीएसएल, दे दैट गुड, बट जो बेस्ट चीज़ है अबाउट टुमारो इज द क्लैश ऑफ द टू कैप्टन, मेरे ख्याल में द टू बेस्ट माइंड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, एक शादाब अहमद एक रिजवान, इन दोनों की कप्तानी देखने वाली हो, वेरी वेल सर। So it's going to be not just Islamabad United versus Multan, but Shadab versus Rizwan. इन दोनों को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए कि ये मेरे कमरे में आके टैक्टिक्स डिस्कस करते रहे क्योंकि सीनियर प्लेयर्स हैं और दोनों जान की बाजी लगा देने वाले क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए, ये जान तोड़ मेहनत करते हैं, मतलब मेरा है कि इतना साफ दिल है और इतना बड़ा दिल है। आपने रिजवान का कमेंट पढ़ ही लिया था कि मैं डिजर्व नहीं करता था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलना क्योंकि मैं ऑफ कलर बड़ा आदमी है, ये देखें ये बहुत बड़ी बात होती है, और एक बहुत बड़ी वजह जो पाकिस्तान टीम की जो अपवर्डली मोबाइल रही है इनकी परफॉर्मेंस वो यही है कि एक दूसरे के लिए खेलते रहे, यूनिटी है और इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि ग्रे एरिया या पॉलिटिक्स के थ्रू ये चिमटे रहे एक पोजीशन पे। सो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे ना सिर्फ क्रिकेटर्स है अच्छे इंसान है, वेरी राइट। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का स्क्लैन उनसे मत पूछे स्क्लैन से, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बाय डिफॉल्ट आज दैट इज ऑब्वियस, नहीं नहीं दैट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, नहीं आज तो पूछना है बिकॉज़ ये लाहौर में बैठे हुए हैं, उधर इस्लामाबाद इधर मुल्तान, ये तो कहते थे ना जो इस्लामाबाद से लाहौर से करीब है, अब तो दोनों करीब है बराबर के। स्क्लैन भाई के पास जाने से पहले आई हैव अ कॉलर राइट नाउ, इलियास साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी, कहाँ से बात कर रहे हैं इलियास साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूं जी। इलियास साहब सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? जी सर, कोलन इंग्राम ने सर शारजा में 24 फरवरी 2019 को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 127 रन नॉट आउट बनाए थे। ओके, आपका जवाब आ गया, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो फिर कुरानदाजी के बाद ये बैट हो सकता है कि आपका हो। अब जरा सैकी भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान, पहला मैच यार मुझे वो चाहत क्या नाम है उनका, चाहत खान साहब का जो है ना वो तराना याद आ रहा है, पीएसएल हमारा है, चाहत फतेह अली खान ने, ये दोनों टीमें हमारी है। मुश्किल सवाल किया है आपने, समझ आने रही क्या कहूं मैं। बहुत आला, तो अब आप बताएं फिर दिल मुल्तान के साथ, गुर्दे इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद के साथ गुर्दे मुल्तान के साथ। नहीं, रमीज भाई की बात बहुत पावरफुल है, आई थिंक इनकी जो कैलकुलेशन है मेरी भी कैलकुलेशन ऐसी ही थी, मुझे पता था आप फिर जो है वो थोड़ा सा
मेरी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं कि उधर दामाद है और ये सारी चीजें ऐसे। बट इस्लामाबाद अगर देखा जाए उनको थोड़ा सा एज है मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान सुल्तान टीम बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रही है इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे ओवरऑल जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो ये है कि इस्लामाबाद की टीम का जो बैलेंस है या जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रही है, एक ही मैच खेला 12 जो उनका बैलेंस है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा लगता है मुल्तान सुल्तान। बहुत मजा आएगा कल के मैच का। नहीं वो तो आएगा। यू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट? कल के मैच में अब है नहीं कराची किंग्स तो क्या कर सकते हैं। मैं कल के मैच में आज सकी भाई इस वजह से मैं सकी भाई के साथ जाऊंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलें जी मैं मुल्तान सुल्तान। सही है। मुल्तान की टीम बड़ी अच्छी खेल रही है और टीम है भी बड़ी स्ट्रॉन्ग। इस्लामाबाद और दोनों बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। कल पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन। अच्छा सुहेब भाई अब ज़रा थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं ना कि पहले मैच के अंदर तो जो होगा होगा, कल का दिन कल संडे हमको पूरा दिन बस यही देखते रहना है रोते रहना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। शाम वाला मैच हम कल दोपहर में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पीएसएल टुमारो? आई थिंक डबल हेडर फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट। अच्छा नॉर्मली क्या होता है जब डबल हेडर होता है तो दूसरे मैच पे ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली अगर पहला मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ हो तो। और कल मैच जो है ना बड़ा तगड़ा है क्योंकि आपकी तरफ कराची वर्सेज लाहौर। आई थिंक रमीज इज अ जस्टिफिकेशन, इज एक्चुअली टेकन पार्ट इन अ कराची वर्सेज लाहौर मैच, तो उनको पता है कि कितना स्ट्रेस कितना टेंशन होता था। आई थिंक कल जो परफेक्ट क्लाइमैक्स है ना दिन का वो बहुत अच्छी इन्होंने प्लानिंग की है कि कराची वर्सेज लाहौर प्लेइंग इन कराची और फिर रिपीट मैच होगा लाहौर में जब कराची अपना सेकेंड राउंड खेलेगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड मैच कराची वर्सेज लाहौर इन कराची। राइट, उसको हम कल सुबह भी डिस्कस करेंगे। अभी वैसे टाइम बहुत कम रह गया, जरा जब पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा ना जी, पॉइंट्स टेबल दिखाएं। रमीज भाई, सैकी भाई और सुहेब भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर लेते हैं। पीसीआर पॉइंट्स टेबल जी, ये स्टैंडिंग्स है जी हमारे पास पॉइंट्स टेबल। रमीज भाई अगर आपको नजर आ रहा है आपके सामने भी रखा हुआ है, ये तीन में से तीन हार गए हैं। सो इनका अब हर मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी फ्रेंचाइज को खड़ा करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि कल बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, लाहौर कलंदर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसी तरह से मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। लाहौर का तो वो तो एक है ही है, वो तो एक राइवलरी भी है, राइवलरी है उसके अलावा। और अच्छी बात है देखे ना, इसीलिए ये पीएसएल मकबूल है क्योंकि ये सिटी बेस्ड एक टूर्नामेंट है। ये कोई पीआईए वर्सेस एनबीपी नहीं है जी, जो ये कह रहे हैं ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने की बात। ये किसी वजह से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये सिटी बेस्ड है इसलिए कि आपके इमोशंस अटैच्ड होते हैं इसलिए, एंड थैंक गॉड फॉर इट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल राइवलरी है ना ये बरकरार रहनी चाहिए और ज्यादा मजा आएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, कराची चौक हुआ हुआ है सर, ये बात तो मानने की है, मगर वो लाहौर के अगेंस्ट खेलेंगे तो शायद जज्बात जाग जाए। हो सकता है पिछले सीजन में सिर्फ हम लाहौर वाले मैच जीते, पिछले सीजन में सिर्फ लाहौर के अगेंस्ट ही जीते और अब ये चौथा मैच आ गया तो हो सकता है। बिल्कुल सुहेब भाई आप क्या कहते हैं कल के मैच में? जी कल के मैच भाई मैंने तो आपसे कहा है कि व्हेन इट कम्स टू कराची वर्सेस लाहौर पॉइंट्स टेबल को देखकर, पॉइंट्स टेबल को देख के आई विल से लाहौर इज गोइंग टू विन। यू वुड गो विद द डी डे, आई मीन कोई उसे फर्क नहीं पड़ता पॉइंट्स टेबल से? नहीं, द थिंग इज टू अर्ली, अभी आपके यू नो 30% मैचेस हुए हैं, सो दैट कैन टर्न अराउंड। लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन किया था जब हम रेडियो के ऊपर प्रीव्यू कर रहे थे, दैट वाज के पिशावर जलमी एंड कराची आर प्रॉब्ली गोइंग टू बी एट द बॉटम टू। राइट, तो आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग लाहौर टू विन टुमारो इवन अगेंस्ट कराची। सर सॉरी अबाउट दैट। देखिए मैं एक चलते चलते फिर से बात कर दूं जल्दी सर, वो चलते चलते ना आप हेड टू हेड पे कर दीजिए। अच्छा हेड टू हेड दिखा देंगे। इस पीएसएल की खास बात जो ये है कि आपको इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है सर। सो एक ओवरऑल टीम तो जीतनी इंपॉर्टेंट है बट इंडिविजुअल सितारों के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। हेड टू हेड में देखें जी, 6-5 स्लाइटली हेड है मुल्तान सुल्तान और इसलिए कि चैंपियन भी बने हुए हैं। सो रिजवान अच्छा कप्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो उनकी टीम बड़ी तगड़ी है जी। सो मैं समझता हूँ कि बैटिंग सेकेंड में भी बराबर है, बहुत सारी चीजें इक्वल चल रही हैं। मैक्सिमम स्कोर अब देखना है, देखें ये 197 अगर कर जाते हैं ना जी तो ये ऑलमोस्ट मैच विनिंग स्कोर होगा जी, क्योंकि ये इतनी आसानी से 197 खाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान को इस पे एज हासिल है, ये एक चीज है जो कि देखने वाली है। हाँ बिल्कुल है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा शान मसूद को अगर खेलना है या खिलाना है उनको तेज खेलना पड़ेगा। सर आपकी जगह से कॉल ले लूँ? बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ नौमान साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल जी ड्रॉप हो गई है, प्लीज कंटिन्यू। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉल जाया किए बगैर टॉप ऑर्डर फंक्शन करे मुल्तान सुल्तान का, नहीं तो बड़ा आप प्रेशर रहता है राइली रूसो के ऊपर या आपके कप्तान के ऊपर। सो बाकियों को भी चमकने की जरूरत है क्योंकि इतनी कंसिस्टेंट फॉर्म टी ट्वेंटी में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। वो दो तीन जो आइडियलिस्टिक चल रहे हैं दोनों टीम की तरफ से, यहां से एहसानुल्लाह वहां से, सो इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करना। बिल्कुल सर। सैकी भाई आप कुछ कहेंगे कल के मैचेस के ऊपर, फाइनल वर्ड? लाहौर और उसका पूछ रहे हैं ना, कराची का जी वो शाम में है। हाँ नहीं जी देखे, लाहौर ने बहुत तगड़ी टीम मुल्तान को मारा है, लाहौर का कॉन्फिडेंस का हाई है, कराची को वैसे ही उनका जो है पैनिक बटन ऑन हो चुका है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है ना वो रूथलेस क्रिकेट खेलेगी और लाहौर छोड़ेगी नहीं कराची को। हालांकि मैं लाहौर से हूँ, लाहौर कराची के जब भी मैच आता है तो मुझे सैकी भाई वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच। मैं विनर अनाउंस कर देता हूँ, अहमद साहब ने हमें सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर जवाब दिया, फेसबुक प्रोबेबली, और अहमद साहब बावलपुर से हैं। ये वाला छोटे वाला मगर हैवी बैट आपका हुआ। खेल का जुनून जारी रहेगा, कल दोपहर 1 बजे एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन हमारी आएगी और उसमें तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर शाम जो मैच होगा उसके बाद भी पोस्ट मैच ट्रांसमिशन, बल्कि दो मैचेस की ट्रांसमिशन जो है वो हम एक साथ कंडक्ट कर रहे होंगे। सोहेब भाई कुछ कहना चाहते हैं? जवाब तो दे दो, कॉलिन इंग्रम ऑप्शन वन जवाब था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन वन, दूसरे जो है वो सोच रहे होंगे, बाकी सोच रहे होंगे, बिल्कुल एक ही था। वेरी राइट सर जी। तो आज के इस ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन से इतना ही, जमील फारूकी और तमाम पैनलिस्ट को जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।